नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ किया गया दुष्कर्म। शादी का झांसा देकर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की अश्लील वीडियो और फोटो भी बना लिए गए, जिन्हें वायरल भी कर दिया गया। अब पुलिस ने 5 आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दी जा रही है दबिश। बिजनौर शहर के एक मोहल्ले निवासी व्यक्ति ने शहर कोतवाली में तहरीर सौंपी, जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी अभी नाबालिग है और पढ़ रही है। आरोप लगाया कि एक मोहल्ला निवासी तविश पुत्र वकार ने उसकी बेटी से बात कर बहका लिया। दिसंबर 2020 में तविश उनकी बेटी को रागी पुत्र नसीम की बैठक में ले गया, जहां तविश ने नशीली ड्रिंक पिलाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान रागी बैठक के बाहर पहरेदारी करता रहा। आरोपी ने असली फोटो भी खींच लिए। फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार दुष्कर्म किया। को बताने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी गई। अब 2 मई को आरोपियों ने सोशल मीडिया पर असली फोटो भी वायरल कर दिए, जिसकी जानकारी उन्हें 2 दिन पहले ही लगी। पुलिस ने तविश पुत्र वगार, सैफी पुत्र मन्नान, अदनान पुत्र लईक, फरमान पुत्र विटन और रागी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीपीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।